हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर टू अ हेल्दी बॉडी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास फाइव का ईवीएस का सब्जेक्ट है और बुक का नाम है अर्थवाइज। तो इस बुक का मैंने फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था पिछले साल, और फिर एक साल बाद मैं इसको करा रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि मेरे पास बुक नहीं था और एक व्यूअर ने मुझे वो सेंड किया था मेल में, और मुझे अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस वीडियो पर, फर्स्ट चैप्टर पर, जिसके वजह से मैं बुक परचेज़ किया और फिर से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर टू को। आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। करीब 20-25 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को उस फर्स्ट चैप्टर के ज़रिए से, तो मैं उन लोगों के लिए, सबके लिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। और बहुत ही मतलब डिमांडिंग भी है, और किसी ने ऐसा मतलब अभी किसी को हेल्प मिल नहीं रहा कहीं से, तो मैं सोचा कि मैं बुक परचेज़ करता हूं और आप लोगों का हेल्प करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट और हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, हेल्दी का मतलब आपको पता ही है, स्वस्थ बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है और कैसे हम लोग बीमार होते हैं, उसी के बारे में ये है। तो कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है हेल्दी बॉडी। इसमें देखो पार्ट क्या किया गया है, अंडरस्टैंडिंग डिजीजेज को अंडरस्टैंड करना है, हेल्थ एंड एक्सरसाइजेज है, और कॉन्क्वेरिंग डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, उनको हम लोग कैसे जीत सकते हैं, कैसे पार पा सकते हैं। तो हेल्दी बॉडी के अंडर में ये तीन पार्ट बनाया गया है, और इसके अंदर सब पार्ट्स हैं। ये देखो, अंडरस्टैंडिंग डिजीजेज में कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये और ये, व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड व्हाट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आप पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा, रटने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अगर समझ जाएंगे तो अपने लैंग्वेज में भी आप आंसर लिख सकते हैं। ईवीएस का सब्जेक्ट है, साइंस है, तो आप जो भी लिखेंगे अगर आपको नॉलेज है तो आप सही करेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए रटना नहीं है, समझना है। तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल बहुत ही ईजी है और एग्ज़ाम में आना ही आना है, फिक्स है एकदम। उसके बाद हम लोगों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज एक्सरसाइज कैसे ज़रूरी है हेल्थ को मेंटेन करने में, वो हम लोगों को देखना है। और डिसेबिलिटीज़, जो अपंगता है ना, उसको कैसे हम लोग जीत सकते हैं, उसके अंडर में दो पार्ट दिया हुआ है, हेलन केलर का और ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, और स्पोर्ट्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो चलिए हम लोग इस देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इसके अंडर में, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम स्पिरिट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। बींग हेल्दी मीन्स टू बी फिट एंड फ्री फ्रॉम इलनेस। हेल्दी होने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई बीमारी से, कोई भी इलनेस से फिट और फ्री हैं। हेल्दी का मतलब हम लोग फिट हों और कोई भी इलनेस से हम लोग दूर हों, हम लोगों को कोई इलनेस, कोई बीमारी ना हो, तब हम लोग हेल्दी कहे जाएंगे। इन ऑर्डर टू बी हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट न्यूट्रिशियस फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, गेट इनफ स्लीप एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। हेल्दी होने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहला पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाल चावल खा लिए हो गया। दाल चावल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बस यही सब कुछ मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो कि सैलेड, एग या फिर चिकन, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एक डाइट में होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, तभी वो न्यूट्रिशियस फूड बनता है। सिर्फ एक खाना खा लेने से, एक अनाज खाने से नहीं होता है, ठीक है, सारे न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है। इसीलिए सारे खाना को, सारे अनाज को मिक्स करना चाहिए हम लोगों को, सारे चीज़ों को, सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करना चाहिए, सैलेड को यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, मिल्क यूज़ करना चाहिए, एग यूज़ करना चाहिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी है लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत पानी हम लोगों को इंटेक करना चाहिए, पानी से ही हमारा शरीर है। गेट इनफ स्लीप, और प्रॉपरली 6 से 8 घंटा हम लोगों को सोना चाहिए, ठीक है, सोओगे नहीं तो ऐसे ही बीमारी को दावत देते रहोगे, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो नीड टू मेंटेन हाइजीन इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, और साथ ही साथ हेल्दी रहने के लिए हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। हाइजीन का मतलब साफ़ सुथराई, हम लोगों को क्लीनलीनेस,
अपने चारों तरफ, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने डेस्क में, अपने हर जगह पे हम लोगों को साफ सुथराई मेंटेन करना चाहिए, क्लीनलीनेस, तभी हम लोग फिट रह पाएंगे। खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना, पानी पीना, वो तो है ही, साथ में क्लीनलीनेस चाहिए। ब्रशिंग आवर टिथ, बाथिंग, क्लिपिंग आवर नेल्स, कॉम्बिंग आवर हेयर, कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन आर हैबिट्स दैट हेल्प अस मेंटेन हाइजीन। तो यही सब है, टीथ को ब्रश करना, नेल्स को क्लीन करना, डेली बाथिंग करना, नहाना, ठीक है, हेयर को कॉम्ब करना, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, ये सारे हैबिट्स भी तो है जो हमें हेल्दी बनाता है। व्हेन वी डू नॉट डू दीज थिंग्स आवर बॉडी कैन बिकम अनहेल्दी। जब हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं तब हमारा बॉडी अनहेल्दी होता है। एन अनहेल्दी पर्सन इज मोर लाइकली टू बिकम इल। एक अनहेल्दी पर्सन जो होता है वो ज़्यादा उसको चांस रहता है बीमार होने का, विथ डिफरेंट डिजीजेज देन अ हेल्दी पर्सन। बीमार होने का चांसेस ज़्यादा होता है, उसको बीमारी लगने का चांसेस ज़्यादा होता है अनहेल्दी पर्सन को, ठीक है, और हेल्दी पर्सन के तुलना में। अंडरस्टैंडिंग डिजीजेज, अब डिजीजेज क्या है ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज़ अ डिजीज़, बीमारी आखिर है क्या। अ डिजीज़ इज़ एन इलनेस विथ स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स। एक डिजीज़ जो है एक इलनेस है, हमारा बॉडी अच्छे से काम नहीं करता है उस समय में, ठीक है, जिसका कुछ स्पेसिफिक साइंस है, कुछ निशानी है उसका, कुछ सिम्टम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीजल्स इज अ डिजीज़, मीजल्स इज अ डिजीज़ विथ सिम्टम्स दैट इंक्लूड हाई फीवर, कफ एंड रेड ब्लॉची रैश। जिस तरह से मीजल्स को हम लोग ले लेते हैं, मीजल्स एक बीमारी है, और मीजल्स होने के बाद हम लोगों को क्या क्या सिम्टम्स दिखता है, हाई फीवर होता है, कफ होता है, रेड ब्लॉची रैश होता है, समझ में आ गया आपको। डिजीजेज आर ऑफ टू मेन टाइप्स, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिजीज एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। या तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, या तो फिर पूछे जाएंगे डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना है, और आपको दो चार बार लिखना भी है और याद करके आपको प्रैक्टिस करना है। पहले समझना है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाए, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल जाए, ठीक है। जब वो फैलता है, जब हम लोग छींकते हैं, हमारे सांस लेने से, है ना, हमारे जब हम लोग जगह जगह पे स्पिट कर देते हैं, मना किया जाता है ना, स्पिट करना हो गया, इस तरह से जब डिजीज़ फैलता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जो फैलने वाला डिजीज़ है। और बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो फैलते नहीं हैं, देखते हैं हम लोग आगे। अ कम्युनिकेबल डिजीज इज वन दैट कैन स्प्रेड, देखो बोला ना, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो स्प्रेड होता है, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वही तो कम्युनिकेबल डिजीज है। अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज सबसे पहले कैसे होता है, ये एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, कोई आपको छू दिया, किसी को अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है और वो आपको टच में आ गया, वो आपको टच कर दिया या आप उससे क्लोज हो गए, तो आपको हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। दूसरा ये होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी, बिना छुए हुए भी, अगर वो सामने स्नीज कर दिया, छींक दिया, सांस लिया, उसके सांस आपके अंदर चले गए, उसका छोड़ा हुआ हवा जो है मुँह से वो आपके अंदर आ गया, तो भी हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हुआ लेकिन हो गया। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर में क्या क्या आता है, एक तो जर्म्स, दूसरा है इंसेक्ट्स। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में दो तरह से वो फैलता है, जर्म्स के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा। जर्म्स क्या है, जर्म्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जर्म्स एक टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एकदम टाइनी, एकदम छोटा, जो खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, वैसे कीटाणु है ना, वैसे जर्म्स उसको बोलते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुले आंखों से नहीं देखे जा सकते, जो माइक्रोस्कोप के हेल्प के द्वारा देखे जा सकते हैं। दे गेट इनसाइड द बॉडी एंड कॉज डिजीजेस। और यही जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है और
डिजीज करता है, बीमार करता है हमें। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, व्हेन पीपल टच ईच अदर और टच ऑब्जेक्ट्स टच्ड बाय ईच अदर, सम डिजीज कॉजिंग जर्म्स पास इजीली बिटवीन देम। जब इंसान कोई एक दूसरे को छूता है या फिर उसके छुए हुए ऑब्जेक्ट को छूता है, टच करता है, तब जो डिजीज़ को पैदा करने वाला जो जर्म्स है, जो कीटाणु है, वो हमारे बीच हमारे अंदर चला जाता है। कौन सा बीमारी है इसमें, फ्लू जो बुखार टाइप का ही होता है, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इबोला, कोविड 19 आप लोगों ने सुना होगा, बहुत देखा ही होगा, तब आप लोग शायद 3 या 2 में रहे होंगे 2020 में, है ना, 2 या 1 में रहे होंगे, तब आप लोग छोटे रहे होंगे, जब मास्क लगाया जाता था, हैंड वॉश किया जाता, अभी भी किया जाता है, सैनिटाइज़र यूज़ किया जाता है, तो ये सब इसी तरह से स्प्रेड होते थे, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट होने से, एक दूसरे के छुए हुए चीज़ों को छूने से, है ना, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो ये नाम आपको याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। स्किन डिजीजेज लाइक स्कैबीज एंड रिंग वॉर्म आर ऑल्सो कम्युनिकेबल बाई टच। अगर किसी को स्किन डिजीज़ है और स्किन डिजीज़ में स्कैबीज है और रिंग वॉर्म है, तो वो भी टच होने से फैल जाता है, दूसरे किसी को हो जाएगा। ये देखो जर्म्स ऑफ इबोला कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। अब ये पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, जो इंसेक्ट से फैलता है, ये तो जर्म से फैलने वाला हो गया, ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, दोनों जर्म्स और इंसेक्ट वाला। तो इंसेक्ट कैसे फैलाता है, इंसेक्ट सच एज मॉस्क्यूटोज स्प्रेड डिजीजेज लाइक डेंगू एंड मलेरिया। जैसा मॉस्क्यूटो को हम लोग जानते हैं, मच्छर जो है वो क्या करता है, डेंगू और मलेरिया को फैलाता है। दे पास ऑन द डिजीज़ व्हेन दे फर्स्ट बाइट द सिक पर्सन एंड देन बाइट अ हेल्दी पर्सन। जब वो लोग कोई बीमार आदमी को मच्छर काटता है और फिर वो कोई हेल्दी आदमी को काटता है, तो वहाँ का जो ये है जर्म्स है वो हेल्दी पर्सन में डाल देता है, चला जाता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्क्यूटोज इन लेटर चैप्टर। हम लोग और भी सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलाए जाने वाले अगले चैप्टर्स में। अभी इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, व्हेन समवन विथ अ कम्युनिकेबल डिजीज स्नीजेस, कफ्स और स्पिट्स इन पब्लिक। जब कोई छींकता है, जब कोई कफ करता है, जब कोई कफ निकालता है या थूकता है पब्लिक प्लेस में, द जर्म्स फ्रॉम इनसाइड देयर बॉडी स्प्रेड इन द एयर। तो उसके बॉडी का जो जर्म्स है वो हवा में फैल जाता है। द जर्म्स देन पास्ड ऑन टू अदर्स इवन दो दे मे नॉट हैव कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और वहाँ से क्या होता है, हवा में आ जाता है, और उसके वजह से आदमी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं भी आता है, उसको टच नहीं भी करता, फिर भी उसके अंदर वो जर्म्स चला जाता है हवा के माध्यम से। तो इनडायरेक्ट हुआ ना, बिना छुए हुए ही हो गया। तो जब बिना छुए बिना टच किए हुए इस तरह से हवा में हो जाता है, तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट माना जाता है। लेकिन दोनों ही, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला हो चाहे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला हो, दोनों ही जो है वो कम्युनिकेबल है, फैलने वाला है। ये वाला टच होकर के फैल रहा था, ये वाला बिना टच होकर के फैल रहा, लेकिन फैल तो रहा है। जो भी बीमारी फैल जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, वही तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरीज रहेंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अभी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस से हम लोग बच सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं, हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। ठीक कोरोना काल में हम लोग देखें, कोरोना के टाइम पे जब कोविड-19 फैल गया था, तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन का दौर चला था, है ना, और वैक्सीनेशन बच्चों को भी लगाया जाता, आप लोग देखे होंगे। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग समवन अ वैक्सीन। जब वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग वैक्सीन लगाते हैं किसी को, अ वैक्सीन इज़ अ मेडिसिन दैट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट हार्मफुल डिजीज। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक मेडिसिन है जिसको हम लोग इंजेक्शन में इंजेक्ट करके उसको इंजेक्शन लगाते हैं बच्चे को लगाओ चाहे बड़ों को लगाओ, है ना, जो हमको हार्मफुल डिजीजेज से, बीमारियों से बचाता है, बिफोर वी बिकम इन्फेक्टेड बाई देम, बीमार होने से पहले, ठीक है। शर्त यही है, वैक्सीन लगाया जाता है बीमार होने से पहले ही। सो इट प्रिपेयर्स अवर बॉडी टू फाइट अ डिजीज, इसीलिए ये हमारे बॉडी को रेडी कर देता है
बीमारी से फाइट करने के लिए। और जब भी उस बीमारी का जर्म्स हमारे पास आता है, हमारे बॉडी में आता है, तो वो हमारा बॉडी उससे अच्छे से फाइट कर लेता है और उसको हरा देता है और हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। रैदर देन ट्रीट द डिजीज़ वंस वी आर इन्फेक्टेड बाई इट, हम लोग बीमार होने के बाद वैक्सीन नहीं लगाते हैं, बीमार होने से पहले लगाया जाता है। ओके, हाइजेनिक हैबिट्स। हाइजेनिक हैबिट्स में क्या होगा, हम लोगों को अपने आप को क्लीन रखना है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, प्रॉपरली खाने से पहले खाने के बाद हम लोगों को वॉशिंग अवर हैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, क्लीन सराउंडिंग्स, इसमें भी वही बात है, जर्म्स जो है वो थ्राइव इन डर्टी प्लेसेस व्हाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। जर्म्स जो है वो डर्टी प्लेसेस में ही होते हैं, इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो और मक्खी जो होता है, फ्लाइज जो स्टैग्नेंट वाटर पानी जमा हो जाता है वहाँ पे हो जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर हाउसेज एंड सराउंडिंग्स क्लीन, इसीलिए हम लोगों को अपने घर और सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। वियरिंग मास्क एंड ग्लव्स, हम लोगों को मास्क और ग्लव्स पहनना चाहिए। पीपल इन्फेक्टेड विद कम्युनिकेबल डिजीजेज शुड स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल टिल दे आर क्योर्ड, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और समझना चाहिए। जब भी आपको कभी बुखार हो, कभी आपको सर्दी हो, ठीक है, कभी आप इन्फेक्ट हो गए हो कम्युनिकेबल डिजीज़ से, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको हो गया है, फ्लू हो गया है, तो आपको मास्क वेयर करना चाहिए, ठीक है, जब तक कि आप ठीक ना हो जाए। क्योंकि आप अगर मास्क लगाएंगे तो आपके अंदर का जो ये है जर्म्स है वो बाहर नहीं आएगा हवा में और लोगों को नहीं होगा, ठीक है, और जहाँ तहाँ आपको थूकना नहीं है, ये सब ध्यान में रखना है। ओके, इफ़ दे डू नीड टू ट्रैवल, अगर उनको जो बीमार हो गए हैं उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, दे शुड वेयर मास्क एंड ग्लव्स, और तभी उनको मास्क और ग्लव्स लगाना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, ताकि जर्म्स जो है स्प्रेड ना हो। ठीक है, अभी देखो ये एक पॉइंट है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, ठीक है, चेचक जिसको बोलते हैं, छोटी माता भी जिसको बोलते हैं, बॉडी पे गोल गोल राउंड राउंड ऐसे फोड़ा जैसा हो जाता है, तो वो स्मॉल पॉक्स कितना खतरनाक लगता है। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया जा चुका है 1796 में बाई एडवर्ड जेनर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है, एडवर्ड जेनर इन 1796, ध्यान में रखना, ये पहला वैक्सीन है अगेंस्ट अ डेडली कम्युनिकेबल डिजीज। ये देखो कोरोना काल में जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे लोग अपना ध्यान रखते थे, मास्क लगा रहे हैं, है ना, लाइन में दूर दूर खड़े रहते थे, छींकना रहता था तो कंधे को हाथ में मुंह में लगा के छींकते थे अगर कुछ नहीं है तो, नहीं तो रुमाल रखो। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकते, डिजीजेज दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल। दे कैन ऑकर बिकॉज ऑफ मैनी रीजन सच एज एन अनहेल्दी वे ऑफ लाइफ, ये सब अनहेल्दी वे ऑफ लाइफ से हो सकता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है बॉडी में इसलिए हो सकता है, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, या कोई और कारण भी हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसी को छूने से, छींकने से, ये सब से नहीं फैलता है। आर्थराइटिस जो घुटने का दर्द होता है वो सब बीमारी नहीं फैलता है। कैंसर ये सब छूने से, टच करने से नहीं फैलता, ये सब कम्युनिकेबल नहीं है। ओके, ये सब नॉन कम्युनिकेबल। तो आपको एग्जांपल बिल्कुल याद रखना है, जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको एग्जांपल साथ में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है हेल्थ एंड एक्सरसाइज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू स्टे हेल्दी इज टू एक्सरसाइज रेगुलरली, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज दैट कीप अवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी। हमारे बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत जरूरी है, जैसे कि वॉकिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, डांसिंग करना चाहिए, प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हम लोग देखते हैं क्या है, थाउजेंड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड, हजारों हजारों गेम्स और स्पोर्ट्स पूरे दुनिया में खेले जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ देम वी हैव टू फॉलो फिक्स्ड रूल्स एंड ट्राई टू विन अगेंस्ट अनदर टीम और पर्सन। हम लोगों को कुछ फिक्स्ड रूल्स मानने पड़ते हैं गेम्स में और कॉम्पीट करना पड़ता है, हम लोग एक कोई टीम के अगेंस्ट खेलते हैं या पर्सन के अगेंस्ट खेलते हैं जीतने के लिए। प्लेइंग गेम्स इज़ फन, गेम्स खेलना जो होता है वो मस्ती के लिए होता है, इन्जॉयमेंट के लिए होता है, फन के लिए होता है। दे ऑल्सो कीप अस मेंटली एंड फिजिकली फिट, ये गेम्स खेलने से, प्ले करने से, खेलने से हम लोगों को, खास करके आउटडोर गेम्स खेलने से
हम लोग मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं, बॉडी भी फिट रहता है और दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। इंडोर गेम्स सच एज चेस, लूडो, स्क्रैबल एंड पिक्शनरी कैन बी आइदर प्लेड बाय अ सिंगल पर्सन और बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो इंडोर गेम्स होता है, लूडो, चेस, ये सब जो होता है ना, ये सब या तो एक सिंगल पर्सन या फिर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन खेलते हैं घर के अंदर में। मोस्ट आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो और कबड्डी आर टीम स्पोर्ट्स। लेकिन आउटडोर गेम्स जो होता है, खास करके फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, ये सब टीम स्पोर्ट्स होता है, दो दो टीम मिल करके खेलते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर टू, मार्शियल स्पोर्ट्स। मार्शियल स्पोर्ट्स हेल्प टू प्रैक्टिस सेल्फ डिफेंस। हम अपने आप को बचाने के लिए मार्शियल आर्ट्स सीखते हैं, मार्शियल स्पोर्ट्स सीखते हैं, जैसे कि कैराटे, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, है ना, ये सब मार्शियल स्पोर्ट्स है। When we take part in sports, we learn how to be disciplined. जब हम लोग स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, हम लोग सीखते हैं कि हम लोग disciplined कैसे रहें, how to work as a team, हम लोग मिल करके कैसे as a team खेलें और जीतें, ये सब सीखते हैं हम लोग गेम खेल के। Playing games also teaches us the values of sporting spirit. हम लोगों को स्पोर्टिंग स्पिरिट सिखाता है गेम्स खेलने से, कि कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए, हम लोगों को गेम्स में गेम्स का स्पिरिट को मेंटेन करना चाहिए। Conquering disabilities, disabilities मतलब हो गया जो हम लोग अपंगता होता है, ठीक है, अपंगता होता है, अपंग होता है कोई, तो उसको कैसे हम लोग जीत सकते हैं, कैसे उस चीज़ से पार पा सकते हैं। There are many people who, for whom some organ of the body may not function properly. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का organ, बॉडी का पार्ट जो अच्छे से काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, they are called people with disabilities, और उन्हीं को बोला जाता है people with disabilities, मतलब PWD. For many PWD, even task like sitting up, walking or eating can take lot of effort. बहुत सारे PWD लोग ऐसे होते हैं जिनको बैठने में बहुत टाइम लगता है, वॉकिंग करने में बहुत टाइम लगता है, खाने में टाइम लगता है। With their will power, however, they try and overcome the difficulties they face. उनके अंदर जो शक्ति होता है, उनके अंदर जो आत्मबल होता है, will power जो होता है, करने का कुछ जज्बा जो होता है, उसके वजह से वो लोग कुछ ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत सारे अपने जो डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत सारे मुश्किलात हैं जो, उसको वो पार पाते हैं, ठीक कर लेते हैं, ओवरकम करते हैं। स्पोर्ट्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़, तो कौन से स्पोर्ट्स है, कौन से पीपल है विद डिसेबिलिटीज़ में। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ऑफन टेक पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड एक्सेल इन देम। बहुत सारे लोग जो डिसेबल होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं अच्छे से, उनका हाथ काम नहीं करता, पैर नहीं काम करता, ये देखो पिक्चर में, तो वो लोग के लिए भी स्पोर्ट्स और गेम्स होता है, वो लोग भी भाग लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स कॉल्ड पैरा ओलंपिक्स इज हेल्ड फॉर PWD। एक स्पेशल ओलंपिक होता है इन लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, है ना, जिसको पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं, ठीक है, वो सिर्फ PWD लोगों के लिए ही होता है, पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। इन द 2021 पैरा ओलंपिक्स इंडिया वन 19 मेडल्स। 2021 के पैरा ओलंपिक्स गेम्स में इंडिया ने 19 मेडल्स जीता है। The achievements of these sports person highlight the enormous courage and determination of the people with disabilities. ये सारे जो achievement है, ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है कि ये ऐसे लोग जो disabled लोग हैं, इनके अंदर भी will power होता है, दिखाता है कि ये लोग कैसे courage और determination जूझ करके, लड़ करके ये लोग जीतते हैं। Helen Keller and Braille, जानते हैं हम लोग Helen Keller कौन है, famous personality है। People with disabilities have achieved much, not just in sports. तो disabled लोगों में से सिर्फ sports में ही कुछ achieve नहीं किया, ऐसा नहीं है, but in various other fields of life में भी उन लोग बहुत कुछ achieve करते हैं। One of the most inspiring lives in this regard is that of Helen Adams Keller. तो इसी कड़ी में Helen Adams Keller जो हैं, वो बहुत कुछ achieve किए हैं life में, sports को छोड़ करके भी। वो handicap category में है। An illness in her childhood had left Helen blind and deaf. बचपन में उनको बीमारी हुआ था, illness हुआ था, जिसके वजह से वो Helen जो है वो blind, अंधी हो गई थी और deaf भी थी, बहरा भी हो गया था, ठीक है, अंधा और बहरा था, उनको सुनाई भी नहीं देता था, दिखाई भी नहीं देता था। But her teacher Annie Sullivan, लेकिन उनके जो teacher थे, Annie Sullivan जो नाम था उनका, taught Helen to use her sense of touch. उनको सिखाया कि उनका जो sense of touch है, छू करके जो महसूस करने वाला जो काम है, वो कैसे किया जाता है, and helped her overcome her disabilities. और उनको मदद किया उनके जो अपंगता है, उनका जो disabilities है, उनको overcome करने में, उनको जीतने में। देखते हैं कैसे। Over time, बहुत समय बाद,
समय पे बाद हेलेन लर्नड ब्रेल, हेलेन ने ब्रेल को सीखा। ब्रेल एक स्क्रिप्ट है जिसको ब्लाइंड लोग यूज़ करते हैं और उससे अपना पढ़ाई करते हैं। अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग क्रिएटेड फॉर ब्लाइंड, एक राइटिंग है, एक लिखा हुआ चीज़ है, लिखने का चीज़ है ब्रेल, जो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करता है लिखने में और समझने में, पढ़ने में। इन ब्रेल लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेज डॉट्स। ब्रेल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक बोर्ड रहता है और बोर्ड में जो लेटर्स होता है ए बी सी डी जैसे है, तो ए जो लिखा हुआ है, ए जो लिखा हुआ है इसमें पॉइंटेड ऐसा करके पॉइंटेड पॉइंट दिया हुआ रहता है, पॉइंटेड उभरा हुआ रहता है। तो उसको जब वो ब्लाइंड इंसान जब उसको छूता है, टच करता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये ए है। सारे लेटर्स जो होता है वो पॉइंटेड होता है। हेलेन वॉज नाउ एबल टू रीड बुक्स रिटन इन ब्रेल बाई फिलिंग द पेजेस विथ हर फिंगर्स। तो हेलेन जो है वो बाद में बुक को भी रीड कर पाती थी अंधे होने के बावजूद भी, किसके वजह से, ब्रेल के वजह से, ब्रेल के हेल्प से वो सारे पेजेस को फिल करती थी अपने फिंगर्स के द्वारा। हेलेन ऑल्सो लर्न टू अंडरस्टैंड दैट वॉट अदर पीपल वेयर सेइंग। वो बाद में ये भी समझने लगी, ये भी सीख गई कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसको समझना भी सीख गई। बाई टचिंग देयर लिप्स, उनके लिप्स को छू करके, उनके थ्रोट्स को, उनके गला को छू करके, उसको समझ वो समझने लगी लोग क्या बोलते हैं उनके लिप्स और थ्रोट को टच करके। हेलेन वेंट ऑन टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर लेटर इन लाइफ। बाद में लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल राइटर भी बनती है, हेलेन केलर। ये देखो हेलेन केलर हैं और उनके टीचर हैं। हर लाइफ एंड अचीवमेंट्स इंस्पायर्ड मैनी पीपल विथ डिसेबिलिटीज़। उनका जो लाइफ है वो बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया, बहुत सारे लोगों को उत्साहित किया एंड हेल्प them lead successful and fulfilling lives, और लोगों को successful life बनाने में मदद किया। ये देखो ब्रेल कैसा होता है, ये देखो ब्रेल ए को कैसे लिखा है, यहाँ पे एक डॉट दिया गया है, उभरा हुआ डॉट रहेगा, पॉइंटेड डॉट, उसको जब टच करोगे तो उसको आपको टच होने पता चलेगा। बी का मतलब दो डॉट, सी का मतलब देखो दो डॉट है मगर ऊपर है ना, तो इसी तरह से डॉट डॉट करके ए बी सी डी 1 2 3 ऐसे सब कुछ उसको सिखाया जाता है। द चार्ट शोज इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन ब्रेल ऑन पेपर, द ब्लैक डॉट्स आर रेज्ड। बोला ना ब्लैक डॉट्स जो है, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट्स दिया गया है ये सब रेज्ड है, रेज्ड मतलब ऊपर उठा हुआ है, सो दैट पीपल रीडिंग ब्रेल कैन फील देम। इसीलिए जब कोई आदमी, कोई अंधा आदमी उसको पढ़ता है, छूता है, तो उसको वो फील करता है और फील करता है अपने फिंगर्स के द्वारा फील करता है, और उसको समझ में आ जाता है कि कौन सा लेटर लिखा हुआ, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जैसा कि फोटोग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप सपोर्ट करेंगे तभी आपको अगले चैप्टर्स भी आपको इसी तरह से मिल जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है आपको, यहाँ पे समरी भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, समरी में जो पॉइंट्स दिया हुआ है ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान देना है, जैसे कि ब्रेल इज़ द स्पेशल फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट ब्लाइंड पीपल यूज टू रीड। पूछा जाएगा व्हाट इज़ ब्रेल, ब्रेल जब पूछा जाएगा तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि ब्रेल क्या है, एक राइटिंग है, फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, तभी आपको अगले चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। और मिलते हैं, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।